नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है दुनिया में पाई जाती हैं, कोई वायरस से, कोई कवक से, कोई बैक्टीरिया से, कोई कीटाणु से। दोस्तों इस लेकिन दोस्तों अभी एक ऐसी बीमारी की पुष्टि हुई है कि क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहली मरीज जो है दर्ज की गई है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी समस्याएं जो है, विभिन्न प्रजातियां, कुछ जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं जो है आ रही है। कभी भी वर्षा हो जाती, कभी भी सर्दी हो जाती, कभी भी गर्मी सी पड़ने लगती है। दोस्तों ये जो क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहली मरीज जो है दर्ज की गई है, ये कनाडा में है। कनाडा में 70 वर्ष की एक महिला है और इनको दोस्तों क्लाइमेट चेंज से पीड़ित मरीज जो है माना गया है। और इनमें दोस्तों जो लक्षण हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत और लू का सामना करना पड़ता है, यानी कि इसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और लू का जो है सामना करना पड़ता है। और दोस्तों ये एक्चुअल में पहली बार है ऐसा कि डॉक्टर ने किसी मरीज को जो है क्लाइमेट चेंज की वजह के रूप में जो है दर्ज किया है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का मरीज दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक नई बीमारी जैसी कुछ कनाडा में पाई गई है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज से पीड़ित महिला, पहली मरीज है ये। और तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। लक्षण भी आपको बता दिए हैं कि सांस लेने में दिक्कत और जो लू के सामना करने में दिक्कत, लू का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।